ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तै युक्तः। एक मिनट। प्रकृतैर्गुणास्तै परः पुरुष एका इहा अस्य धत्ते स्थिति आदये हरि विरंचि हरे इति। एक्चुअली गलत ब्रेक हो रहा है। समग्र है इसमें कैसे लिखा है, इसके अंदर संस्कृत में कैसे लिखा है वो मैं समझ गया, इसमें कैसे लिखा हुआ है। हाँ इसमें, हाँ क्या बताया था मैंने, सत्वम रजस्तम इति प्रकृतैर् गुणास्तैर्। युक्ता परः पुरुष एक अहस्य धत्ते स्थिति आदये हरि विरंचि हरे इति संज्ञः। श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर्नृणां स्युः। इससे पता लगता है, इसको समझ नहीं आ रहा, उसमें भी सही है। ओके सो दो और श्लोक पढ़ लेते हैं, एक मिनट। पार्थिवा दारुणो धूमस तस्माद् अग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तमस तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्मदर्शनं भेजिरे मुनयो अथ अग्रे भगवन्तं अधोक्षजम् सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये अनुतानिह मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिन् अथ नारायण कलह शांता भजन्ति हि अनुसूयवः रजस्तमः प्रकर्तयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादिन् श्रियैश्वर्ये प्रजेप्सवः वासुदेवे परा वेदा वासुदेव परामखः वासुदेव परा योगा वासुदेव परः क्रिया वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। ये सेक्शन है यहाँ तक। सो लेट्स सी हम कहाँ तक कर सकते हैं। मैं शुरू कर रहा हूँ 123 से। ओके ओके सो ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओके तो सुता गोस्वामी कह रहे हैं, सुता गोस्वामी यहाँ पर अब एक्चुअली पिछले श्लोक में उन्होंने अतो वही कवियो नित्यम भक्तिम परामया मुदा कंक्लूजन दिया था कि भक्ति करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, यानी ये कंक्लूजन था। कैसी भक्ति? परमया मुदा सुसुखम, जो सुखमय भक्ति है, यानी सो हमने डिस्कस किया था। अब सुता गोस्वामी एक उसी को कंटिन्यू करके एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं कि उस भक्ति तक पहुंचे कैसे, दैट्स द होल क्वेश्चन। अतो वही कव्यो नित्यम भक्ति,
नित्य भक्ति तक पहुंचे कैसे। नित्य का मतलब था कि जो कभी रुक नहीं सकती, अप्रतिहता, जो अहितु की है नहीं, ये हम यही बात कर रहे थे। तो भक्ति वो कैसे होगा, क्योंकि मुश्किल है नहीं, हर स्थिति में भक्ति करते रहना और खुशी खुशी करते रहना, बिना डिप्रेस हुए, बिना फ्रस्ट्रेट हुए, वो आसान नहीं है। सो कैसे पहुंचे वहां तक, ओके सॉल्यूशन बता रहे हैं कैसे पहुंचे। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर गुणास्तैर। सो वो कह रहे हैं कि भी एक्चुअली यहां से शुरू कर रहे हैं कि तीन गुण है, सतो रजो तमोगुण, और सब व्यक्ति प्रकृतेर गुणास्ते, प्रकृति के जो गुण है इसी में सारे लोग, तई तई मतलब ये सारे लोग, तई तई समझते हो ना, तई तो तई कहां से आ रहा है, शब्द क्या है तई, सह तऊ ते है ने, सह तम तई, प्रथम पुरुष तृतीय विभक्ति, सह तम तई या तेना, एक ही बात हो गई। तो उनके द्वारा मतलब काफी लोगों के, जो इतने सारे लोग हैं वो सब के सब इन सारे के सारे गुणों के द्वारा प्रभावित हैं, उनकी प्रकृति प्रभावित हैं। हम सब इन तीन गुणों में चलते रहते हैं। जब तमोगुण आता है तो आलसी हो जाते हैं, रजोगुण आता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिजायर आ जाती है, सतोगुण आता है तो शांत हो जाते हैं, फिर उसके बाद ऊपर नीचे पूरे दिन में ऐसे ही चलता रहता है हमारा। जैसे आपने देखा सांस बदलती रहती है, देखा है आपने, कभी इस नाक से सांस शुरू आती है, कभी इस सांस से, कभी दोनों। अभी देख लो आप कौन सी नाक से चल रही है, और मैं आपको बता सकता हूं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप खुद ही देख लो। ऐसे रखोगे ना तो आपको पता लगेगा कौन सी सांस ले। ऐसे ऐसे रखना होता है, ऐसे फिर इस पे करना होता है, कौन सी नाक चल रही है सुरेंद्र, है राइट या लेफ्ट, आपकी लेफ्ट ज्यादा चल रही है ना, लेफ्ट ज्यादा चल रही है, तो इसका मतलब है अभी माइंड शांत है आपका थोड़ा। और जिसकी राइट ज्यादा चल रही है इसका मतलब माइंड अभी शांत नहीं है। माइंड की तो किसकी राइट ज्यादा चल रही है, गोकुल की, हाँ तो माइंड शांत नहीं है आप लोगों का, थोड़ा एक्टिव है। सुरेंद्र का शांत, सुरेंद्र शक्ल से शांत लग रहा है आज अब इसकी सही नाक चल रही है जिसकी दोनों चल रही है, इसकी तो लेफ्ट चल रही है ना तो शांत बैठा है, इनकी और तो हाइपर है, इनकी दोनों चल रही है वो बैलेंस्ड है ना, वो ना ज्यादा शांत है ना ज्यादा हाइपर है, वो बैलेंस चल रहा है उसका माइंड, उसकी बॉडी में उसकी हेल्थ और बॉडी बिल्कुल बैलेंस चल रही है। तो इसको इसको ईड़ा पिंगला कहते हैं, सुने नाड़ियों को ईड़ा पिंगला, प्राणायाम से इसी को कंट्रोल किया जाता है। तो जो तीन गुणों के हिसाब से हमारी बॉडी भी इफेक्ट होती है, देख रहे हो मैं बता रहा हूं। तो अगर राइट चल रही है तो आप रजोगुण में प्रधान चल रहे हो, लेफ्ट चल रही है तो सतोगुण हो सकता है शांत, अगर दोनों चल रही हैं तो प्रधानता सतोगुण चल रहा है, प्रधानता इस तरह से चलता है। अगर लेफ्ट चल रही है तो हो सकता है आप थोड़ा तमोगुण में भी हो, अगर आप सोने जा रहे हो, अगर सोने जा रहे हो तो डिपेंड करता है, तो उसमें भी लेफ्ट चलने लगेगी। तो ये ऐसे चलता है, तो हम सब इससे इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। कोई माता जी माया मोहिनी अवतार ओके सो युक्तः परा पुरुष एक अहियस्य दत्ते। तो वो एग्जांपल दे रहे हैं भाई, इस अब हम तीन गुणों में तो चल ही रहे हैं, बट क्या है कि भगवान भी इन तीन गुणों से, इन तीन गुणों को इस्तेमाल कर रहे हैं। युक्तः परा पुरुष, परा पुरुष कौन है, विष्णु, विष्णु को परा पुरुष कहते हैं। वैसे तो पुरुष मतलब तो हम सब हो गए, परा पुरुष मतलब विष्णु। पुरुष का मतलब क्या संस्कृत में, पुरुष क्या होता है मतलब, नहीं मतलब क्या है पूछ रहा हूं मैं, है पुरुष मतलब होता है इंजॉयर, भोक्ता,
इंजॉय करने वाले को पुरुष कहते हैं। तो परापुरुष है सुप्रीम इंजॉयर, बस ये तो वो भगवान हो गए, इसलिए हमें परापुरुष कह रहे हैं। तो सुत्त गोस्वामी कह रहे हैं देखो वैसे तो इस संसार के लोग तीन गुणों में काम करते हैं, भगवान क्या है परापुरुष, क्या वो भी तीन गुणों में काम करते हैं, क्या वो भी प्रभावित होते हैं? कह रहे हैं नहीं, युक्त वो इस्तेमाल करते हैं तीन गुणों को। युक्त मतलब जुड़े हुए, जुड़े हुए। भगवान इन तीन गुणों का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि भाई चोर के साथ चोर की तरह ही बात करनी पड़ती है नहीं, वरना उसको समझ नहीं आता, ऐसी बात है, उसको समझ ही नहीं आएगा। अगर आप अगर जो तो जो बंगाली है उसके बंगाली भाषा में बात करोगे तभी तो समझ आएगा, वरना उसकी शक्ल देखोगे आप वो शक्ल देखेगा। तो हम तीन गुणों में काम कर रहे हैं ना, इसलिए भगवान को तीन गुण इस्तेमाल करने पड़ते हैं हमें समझाने के लिए, हमें कंट्रोल करने के लिए, हमें धीरे धीरे इससे निकालने के लिए, मगर तीन गुणों में काम करना पड़ेगा उनको, वरना होगा नहीं, बात बनेगी नहीं। ऐसे हम प्रचार करते हैं भी, तो प्रचार करते हैं तो जैसे ऑडियंस होता है वैसे ही लेक्चर देना पड़ता है ना। तो जैसे आप लोग बैठे हो अभी, तो मैं संस्कृत से बता रहा हूँ, अच्छा लग रहा है नहीं? अगर मैं राजपुरम पर पब्लिक में दूंगा तो ऐसे थोड़े ना बताऊंगा, वो कुछ समझ ही नहीं आएगा। या अगर मान लीजिए सारी माता जी आ गई मोटी मोटी, जो ट्रेडिशनल जो कथा में आती है, अब उनको तो ये भी नहीं बता सकता, उनको तो स्टोरी बता, उनको तो उनकी तरह बताना पड़ेगा, है नहीं? अगर बच्चों की क्लास लेंगे तो बच्चों की तरह। तो ऐसी जो तीन गुणों में काम कर रहे हैं, प्रभावित है पूरा संसार, भगवान को तीन गुणों, भगवान को भी तीन गुणों में आना पड़ेगा हमें समझाने के लिए, प्रभावित नहीं होंगे मगर आना पड़ेगा। अब ये पॉइंट है यहां पर। सो कैसे आते हैं? युक्त परा पुरुष, युक्त युक्त होते हैं भगवान, तीन गुणों में प्रवेश करते हैं। एका एहयस्य धत्ते, धत्ते का मतलब क्या है? धत्ते वर्ड आ रहा है बार बार भागवतम में, धत्ते का वर्ड मतलब क्या होता है? धत्ते तो वैसे तो ऐसे धत कहते हैं ना, धत धत नहीं कहते ऐसे किसी को, हटाने के लिए, भगाने के लिए है हाँ वो भी है धत, वही है वो तो अपने आप को धत कह रहे हो ना, ऐ धत। तो धत मतलब होता है संस्कृत में, धत मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना, धत मतलब स्वीकार करना होता है वैसे। सो भगवान इह यस्य, इस संसार में, इह मतलब ये, इह अस्य, इह मतलब ये, अस्य मतलब इन तीन गुणों को, परम पुरुष युक्तः, परम पुरुष उससे युक्त होते हैं, धत्ते और उसको स्वीकार करते हैं। अब क्वेश्चन है कि भगवान तीन गुणों को स्वीकार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मैंने बताया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम भी तीन गुणों में काम कर रहे हैं नहीं, इसलिए हमें समझाने के लिए। तो अब भगवान की इंटेलिजेंस है, क्या कर रहे हैं? जैसे ही तीन गुणों को स्वीकार करते हैं भगवान तीन रूप ले लेते हैं। तो जैसे ही भगवान सत्वगुण को स्वीकार करेंगे वो तो कौन से रूप में आ जाएंगे? हरि विरंची हरे इति, तीन रूप है, हरि विरंची हरे इति, इति मतलब ये, तीन रूप में आ जाएंगे, हरि विरंची हरे। तो कौन सा? एक हरि, जैसे सत्वगुण स्वीकार करेंगे वैसे ही कौन से रूप ले लेंगे? हरि, विष्णु का रूप। और जब रजोगुण स्वीकार करेंगे तो विरंची, विरंची क्या किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी का नाम क्या है? विरंची क्यों है? विरंची क्यों कहते हैं? चलो होमवर्क है, देख के बताना। ब्रह्मा जी विरंची, विरंची जो रंची है जो रचते हैं विरंची। सो ब्रह्मा जी, और हरे, हरे कौन है? शिव जी, हरे 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 शिव जी को कहते हैं। हरे वैसे और भी किसको कहते हैं? राधा रानी को, हरे शिव जी को भी कहते हैं।
हरे बोलते हैं ना, मतलब हरा का हरे हो गया। हाँ वैसे हरे तो वैसे मतलब वो तो एक ही बात है, हरा को हरे बुलाओगे, शिव जी को भी हरे बोल देंगे ना, बुलाने संबोधन है ना ये तो अष्टमी विभक्ति। सो हरा हरा कहते हैं, हर हर गंगे नहीं कहते, हर हर महादेव। तो हरे शिव जी भी है और राधा भी है, दोनों को कह सकते हो आप। तो तीन रूप लेते हैं भगवान, कृष्णा, विष्णु, ब्रह्मा और शिव। क्यों? तीन गुणों को कंट्रोल करने के लिए। शिव जी के द्वारा तमोगुण को कंट्रोल करते हैं और तमोगुणी लोगों को गाइड करते हैं, और रजोगुण के ब्रह्मा जी के रूप में रजोगुण को कंट्रोल करते हैं और रजोगुणी लोगों को गाइड करते हैं, और सतोगुण विष्णु सतोगुण को कंट्रोल करते हैं और सतोगुणी लोगों को गाइड करते हैं। इस तरह से चलते हैं वो लोग। ओके, क्वेश्चन है अब एक। ये जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है ये मुझे बता दो। क्योंकि भगवान इसमें बोल रहे हैं कि मैं तीनों गुणों को स्वीकार करता हूं, भगवान ठीक है चलो उसको स्वीकार करता हूं। तो मतलब एक 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 बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पे डिबेट होती है, उसको काटने के लिए। जैसे बोलते हैं शिव भगवान है, हाँ ठीक है, तो हाँ ठीक है चलो। एक एक तो ये आ गया कि शिव और ब्रह्मा भगवान नहीं है, नहीं क्लियर हो गया। विष्णु कह रहे मैं तीनों रूपों में मैं ही आता हूं, मैं तीनों गुणों में वो स्वीकार करता हूं, सुप्रीम है कृष्ण विष्णु। यस, कृष्णा सुप्रीम है विष्णु, कृष्णा सुप्रीम होगा क्योंकि कृष्णा कौन से रूप ले रहे हैं, विष्णु ब्रह्मा और शिव। ये आप कोट कर सकते हो एक श्लोक है, एक श्लोक ये है, कृष्णा सुप्रीम है, कृष्ण से विष्णु आ रहे हैं। लो हरि विरंची हरे थी आगे, कृष्णा परा पुरुष है, और फिर आप कोट कर सकते हो परा पुरुष है कौन सा श्लोक है, हाँ मगर ये शब्द परा पुरुष शब्द आ रहा है ब्रह्म संहिता में, परा पुरुष पुमान यो ब्रह्म संहिता में कौन सा श्लोक है आप पढ़ना जाके, उसमें परा पुरुष आ रहा है सीधा, कौन सा देख के बताना, परा पुरुष अपमान यो। परा पुरुष केवल कृष्ण के लिए इस्तेमाल होता है, ब्रह्म संहिता में भी है, श्री संप्रदाय में भी कहते हैं परा पुरुष कृष्ण के लिए, केशव के लिए। सो करोड़ों विष्णु हैं, करोड़ों ब्रह्मा हैं, करोड़ों शिव हैं, कृष्णा केवल एक ही है, एकले ईश्वर कृष्णा। ओके सो तो उसी इन रूपे के द्वारा भगवान स्थिति और क्या है सृष्टि स्थिति और प्रलय कर देते हैं इन रूपों के द्वारा। तो पूरी सृष्टि को चलाने के लिए भगवान इस तरह से तीन रूप लेते हैं और कंट्रोल करते हैं। अब वैसे तो चलो ब्रह्मा जी जीव तत्व है या विष्णु तत्व है, जीव तत्व है, तो आप कहोगे भी भगवान ने ब्रह्मा जी का रूप लिया तो फिर तो ये कैसे, वो तो जीव तत्व है। कभी कभी लेते हैं भगवान, कभी कभी ब्रह्मांड को चलाने तो कभी कभी तो विष्णु ले लेते हैं, जब भी कोई जीवात्मा क्वालिफाइड नहीं होता ब्रह्मा बनने के लिए, मतलब कोई मिला ही नहीं भाई, उन्होंने भगवान ने इस्कॉन देख लिया, कोई है ही नहीं ब्रह्मा जी बनने के लिए क्वालिफाइड, इनके तो राउंड से पूरे नहीं हो रहे, श्री संप्रदाय चलेगा मतलब वैष्णव संप्रदाय में से तो निकालेंगे कोई क्वालिफाइड बंदा, कोई शिवाइट संप्रदाय से थोड़ा ना निकाल लेंगे, तो निम्बार ना श्री कोई है ही नहीं, तो वैसे भी इतने कम लोग हैं वैष्णव संप्रदाय में, तो भैया क्या करें, तो फिर भगवान को खुद ही बनना पड़ता है ब्रह्मा। तो कभी कभी शिव जी भी खुद ही बन जाते हैं, वैसे शिव जी ब्रह्मा जी कभी कभी जीवात्मा भी होते हैं, शिव जी भी कभी कभी जीवात्मा हो जाते हैं, कभी कभी जीवात्मा भी शिव जी बन जाते हैं, कभी कभी विष्णु भी शिव जी बन जाते हैं, कभी कभी शिव अलग से ही होता है, जीवात्मा और विष्णु के मिक्स होता है बीच के, अबे कैसे होता है हमें नहीं पता बट होता है। बट जो भी है सब किसके रूप है, विष्णु के, चाहे जीवात्मा भी ब्रह्मा बन रहा है फिर भी उनको हम विष्णु का ही रूप कहेंगे क्योंकि वो जीवात्मा शक्त्यावेश होता है, भगवान की शक्ति संचारित होती है, इसलिए प्रैक्टिकली वो विष्णु ही विष्णु का रूप माना जाता है। नहीं सो श्रेयांसी तत्र खलु सत्वतनोर निणामसीयु, तो कह रहे हैं श्रेयांसी, श्रेयांसी क्यों करते हैं ऐसा, संसार का श्रेय करने के लिए, श्रेय मतलब बेनिफिट, संसार का बेनिफिट करने के लिए, संसार के लोगों को कंट्रोल और गाइड करने के लिए कि इसे धीरे धीरे सब सारे जीवात्मा मोक्ष की तरफ
पहुंच जाए। श्रेयाम सी तत्र खलु सत्वतनोर निणाम सी, जिससे धीरे धीरे कहां आ जाए लोग, सतोगुण में आ जाए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण में भगवान तीन रूप लेते हैं, धीरे धीरे गाइड करके कहां ले आते हैं सबको, सतोगुण में ले आते हैं। सत्वतनोर निणाम सीयु, सत्वतनो, तनो मतलब क्या होता है, रूप। सुधा गोस्वामी कह रहे हैं कि सतोगुण का जो रूप है वो हाईएस्ट है, सबसे बेस्ट है। शिव विष्णु और ब्रह्मा में से सबसे ज्यादा बेनिफिट किसकी पूजा करने में मिलेगा, विष्णु। क्यों? क्योंकि सतोगुण में, क्योंकि सतोगुण कंट्रोल करने वाले हैं, उनकी गाइडेंस हम सतोगुण में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन यह है कि सतोगुण में ऐसा क्या है भैया, वो कह रहे हैं ना कि भी ठीक है, तीन तीन गुण काम कर रहे हैं, तीन रूप लिए हैं भगवान ने, अब किसकी पूजा करें, ब्रह्मा शिव विष्णु, यही कहते हैं ना, तीन तीन ही मानते हैं, तो विष्णु की करो। सुता गोस्वामी कह रहे हैं श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनोर, जो सतोगुण में जो रूप है, तनु मतलब क्या होता है, तनु मतलब रूप, तो ये वाला शब्द गीता में आ रहा है तनु, कौन सा है श्लोक, तनु कहां आ रहा है, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, रूप। तो सतोगुण में जो रूप है वो बेस्ट है, उसकी पूजा करनी चाहिए, वो कौन सा रूप है, विष्णु। अब क्वेश्चन है क्यों, ऐसा क्या है सतोगुण में जो, या सतोगुणी रूप में जो कि वो बेस्ट है, रजोगुण तमोगुण में क्या प्रॉब्लम है। सो नेक्स्ट श्लोक में वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, पार्थिवा दारुणो धूमस तस्माद अग्निस्त्रयीमया, तो कह रहे हैं त्रयीमया, तीन चीजें हैं संसार में, तीन है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, त्रयीमया मतलब तीन, कौन कौन सी हैं, एक है पार्थिवात दारुणो, पार्थिवात क्या होता है, पृथ्वी, पृथ्वी से क्या आता है, दारुण, दारुण मतलब, दारुण दारुण नहीं समझते आप लोग, लकड़ी, दारू ब्रह्म जगन्नाथ, पृथ्वी से लकड़ी आती है, आती नहीं आती है, पृथ्वी से तो उगती है, बांस बांस कहां से उग रहा है, जमीन से उगा है ना, पृथ्वी से लकड़ी आई दारुणो, और लकड़ी से क्या आया, धूमस, धूमस मतलब धुआं, और धुएं से क्या आया, तस्माद अग्नि, धुएं से क्या आया, अग्नि, पहले धुआं दिखाई देता है फिर अग्नि प्रकट हो जाती है, यानी चलाते पहले धुआं आता है फिर अग्नि आ जाता, धुआं हट जाता है। तो सुधा गोस्वामी कह रहे हैं ऐसी आप तीन चीजें हैं, तो लकड़ी है, धुआं है और अग्नि है, अब इसमें से श्रेष्ठ कौन है, अग्नि, क्यों, यूज कर सकते अग्नि को, हाँ अग्नि को आप यूज कर सकते हो कुकिंग के लिए, है नी, बहुत सारी चीजों के लिए, गर्मी के लिए, प्रकाश के लिए, और अग्नि से सबसे इंपॉर्टेंट है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं वैदिक यज्ञ कर सकते हो, प्रभुपाद में लिख रहे हैं यज्ञ अग्नि से ही होगी, और कोई तरीका ही नहीं है भाई, अभी वैसे तो मतलब आप यज्ञ में अग्नि मेन है ना, अग्नि नहीं होगी तो यज्ञ क्या है, बाकी सब पढ़ा रहा है उसमें क्या है, तो अग्नि, इसलिए यज्ञ, और अग्नि से भगवान, यज्ञ से भगवान संतुष्ट होंगे, तो इसलिए अग्नि बेस्ट है। ऐसे ही वो कह रहे हैं तमसस्तु रजस तस्मात, तमोगुण से बेटर है रजोगुण, तस्मात सत्वम, और रजोगुण से बेटर क्या है, उससे बेटर है सतोगुण, क्यों, यद ब्रह्म दर्शनम, क्योंकि सतोगुण से क्या होता है, यद ब्रह्म दर्शनम, क्या किसका दर्शन होगा, ब्रह्म दर्शनम, भगवान का दर्शन, जैसे अग्नि से भगवान संतुष्ट होते हैं, सतोगुण से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, रजोगुण तमोगुण से भगवान संतुष्ट नहीं होते, अगर रजोगुण तमोगुण में काम कर रहे हो भगवान संतुष्ट नहीं होंगे सतोगुण से, है कौन सा सतोगुण, ये सतोगुण नॉर्मल सतोगुण है, नॉर्मल ये तो नॉर्मल है, जब भी अब जैसे मान लीजिए, मैं बताता हूं आपको, जब भी श्लोक में केवल सतोगुण शब्द आ रहा है, केवल सत्व, जैसे एक बार श्लोक में आया था केवल सत्व आया था ना, कौन सा श्लोक था, सत्वे ना, क्या श्लोक था,
हाँ हाँ ये था ना, हाँ स्थितम सत्वे प्रसीदति, ये था ना, सतोगुण में स्थित होके खुश हो जाओगे। तो वहां पे केवल सतोगुण आ रहा है, रजोगुण तमोगुण शब्द नहीं आ रहा श्लोक में, है नहीं। स्थितम सत्वे, जब भी सतोगुण अलग से वर्ड आता है, रजोगुण तमोगुण नहीं होता, इसका मतलब वो सतोगुण कौन सा है? विशुद्ध सत्व। वो तीन गुणों के परे बात कर रहे हैं हम। जब भी तीनों शब्द आते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो ये सतोगुण कौन सा है? फिर अब भौतिक वाला सतोगुण है, वो विशुद्ध सत्व नहीं है, कंपेयर कर रहे हैं ना। तो ये तरीका होता है, ऐसे पता लगाते हैं। समझ गए? क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर हो रहा है? अक्षय क्या हो गया? क्लियर है, ठीक है। कोई माइंड आउट है क्या? सो तो यहां पे सतोगुण, सतोगुण से भगवान संतुष्ट होते हैं। कहने का मतलब है कि सतोगुण में आप अच्छी तरह भक्ति कर पाओगे और इसलिए भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि क्योंकि तमोगुण में तो निंदारी होगी, कैसे भक्ति करोगे? आलसी पड़े होगे। रजोगुण में इच्छाएं, एक्साइटेड हो, मन भागता रहेगा चैंटिंग के वक्त। सतोगुण में संतुष्ट और शांत रहेगा, तो आराम से आप भक्ति कर सकते हो। तो इसलिए सतोगुण हेल्प करता है भक्ति करने में। केवल सतोगुण में आने से भगवान के दर्शन नहीं होते, वो भी बात है, मगर वो अनुकूल है। सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, यहां पे बोला है, ठीक है ना। दैट्स अ होल पॉइंट। अब क्वेश्चन ये है कि या अब नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, मगर सतोगुण से भी आगे जाना पड़ेगा। दैट्स अ होल आइडिया। आ गया नेक्स्ट श्लोक में, आ गया सीधा विशुद्ध सत्व, आ गया सीधा, उससे भी आगे जाना पड़ेगा। मगर पता है क्या है, वैसे प्रभुपाद गीता में लिख रहे हैं, प्रभुपाद गीता में लिख रहे हैं, देखो भाई अब ऐसे है कि आप डायरेक्टली तीन गुणों को पार नहीं कर सकते, सीधा कूद नहीं पाओगे, क्योंकि हम इसी में काम कर रहे हैं ना, हम तो रजोगुण सतोगुण तमोगुण में। तो बेस्ट है कि आप अपनी लाइफ सतोगुण में रखो, सतोगुणी खाना खाओ, सतोगुणी एनवायरमेंट हो। अब ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया कि सतोगुणी वातावरण हो गया ना ये, तो इसलिए तो हम यहां पर रह रहे हैं। सिटी अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूं, तो सिटी कौन से गुण में होती है? नहीं गलत, तमोगुण में होती है। जंगल रजोगुण में? जंगल नहीं है, गांव रजोगुण में। भागवतम पढ़ लो। एक्सप्लेनेशन दी थी तो रजोगुण सिटी और तमोगुण जो वहां पे मदिरालय है वो, हाँ वैसे तो अगर भागवतम पढ़ेंगे डायरेक्ट वो भी सही है। सिटी तमोगुण में भी आप लॉस एंजल्स आओ, मंदिर है वो सतोगुण। हाँ वो तो चलो, वो तो उस स्थिति के हिसाब से, वैसे पूरी सिटी पूरी तमोगुण में काम कर रही है, पूरा उल्टा चल रहा है, पूरा उल्टा, दिन में सो रहे हैं रात को जाग रहे हैं, सब कुछ ही उल्टा चल रहा है ना। और गांव रजोगुण में होता है, गांव में ये हो रहा है वो हो रहा है, हजार चीजें हो रही हैं, गांव में खाना उग रहा है, यू नो बिजनेस हो रहा है, बाटर हो रहा है रजोगुण में। जंगल सतोगुण में होता है आइडियली, अगर आप भागवत पढ़ोगे तो। सो इसीलिए यहां पे कह रहे हैं कि धीरे धीरे अब तो मान लीजिए आप सतोगुण में आ गए, अब हम लोग तो तीन गुणों में काम कर रहे हैं ना, हम भी तो ये प्रोजेक्ट इसलिए बनाया कि हमारा वातावरण कैसा बन जाए, सतोगुणी बन जाए। तभी तो हम गांव में भी कहां रह रहे हैं, हम तो दूर रह रहे हैं रजोगुण में हम तो जंगल में ही रह रहे हैं आइडियली, मतलब खेत जंगल ही तो हो गया, एक अकेले बैठे हुए हैं पिंड में, मतलब पिंड क्या डेरा हो गया ना, ये तो जंगल ही हो गया एक तरह से, सिक्योर जंगल। हेलो दिनना तो हम गांव में बैठे थे, गांव तो रजोगुण में, आप समझ ही आ रहा है यार, वहां हजार चीजें चल रही हैं, परेशान हो जाएंगे हम। तो सतोगुणी, तो सतोगुण जो वातावरण है उसमें मन लगता है भगवान में नेचुरली, है नहीं, आराम से मन लग जाएगा। वहां तो आप सोला माला भी झगड़ के करते हो, यहां तो पता भी नहीं लगता, नहीं आराम से हो नहीं जाती कोई, तो ठीक है कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो सतोगुणी वातावरण, सतोगुणी खाना हमारा हो गया, सतोगुणी गोबर हो गया, सतोगुणी दूध गाय हो गई, पूरा सतोगुण में आ गया, भक्ति यूं होगी आपकी। जहां वहां झगड़ रहे हो सोला माला करने में पढ़ने में, यहां तो ऐसी अपने आप ही, वो तो चलो अपने आप ही हो जाएगा, वो तो चलो हजार चीजें अपने आप ही हो जाती हैं गांव में तो, मतलब अपने आश्रम में, इसलिए बनाया हमने। तो सतोगुण हेल्प करता है, मगर अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये सब बना के ठंडे में सो जाओ और पड़े रहो
तो फिर फायदा है, फिर फायदा नहीं है, समझ रहे हो आप? तो भक्ति नहीं कर रहे फिर तो आप, तो भक्ति, अब आप कहो मैं पूरे सतोगुण में बैठ सतोगुण में हूं, है भक्ति नहीं कर रहे तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर भगवान के दर्शन होंगे। तो सतोगुण हेल्प करता है, आराम से भक्ति हो जाएगी, भक्ति तो करनी पड़ेगी, उससे फिर उससे आप जब सतोगुण में रहकर भक्ति करोगे तो फिर सतोगुण के बियॉन्ड चले जाओगे आप, उसको बोलते हैं विशुद्ध सत्व, तीन गुणों के परे, वो आइडिया है। तो यहां पे वही कह रहे हैं भेजरो मुनियो अथा अग्रे, तो भेजरो का मतलब होता है हां भेजिरे, भेजिरे भज भज धातु से, कि भेजरो मुनियो अथा अग्रे, तो अग्रे मतलब होता है पहले, पहले के मुनियों ने जो भजन किया था, अग्रे भजन, जो पहले के मुनियों ने जो भजन किया था, किसका किया था? भगवंतम अधोक्षजम, अधोक्षज भगवान का जो उन्होंने भजन किया, कैसे किया? सत्वम सतोगुण में रह के भजन किया उन्होंने, और उसके प्रभाव से किस में पहुंच गए? विशुद्धम, विशुद्ध सत्व में पहुंच गए। बोलो सत्वम विशुद्धम, सतोगुण में किया उससे विशुद्ध सत्व में पहुंच गए, और उससे क्या हुआ? क्षेमाया, उससे उनका अल्टीमेट बेनिफिट हुआ। क्षेमाया मतलब, क्षेमाया वर्ड कहां आ रहा है गीता में? योगा क्षेम वहां में हम, क्या मतलब है? क्योंकि भगवान कह रहे हैं गीता में योगा क्षेम वहां में हम, क्या मतलब है इसका? जितनी मेरी भक्ति करेगा मैं उसके अनुरूप ही उसको फल दूंगा। नहीं, योग क्षेम नहीं, वो तो ये था माम प्रपद्यन्ते है LIC में योग क्षेम वहां में हम, रक्षा करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान कह रहे हैं कि वहां कि योग क्षेम, योग मतलब जो जो मेरे भक्त के पास नहीं है मैं उसको पूरा करूंगा, योग नहीं है उसको पूरा करूंगा, योग मतलब जोड़ना है नहीं, देना, उसको मैं पूरा कर दूंगा, जो नहीं है पूरा कर दूंगा, और क्षेम मतलब जो है उसकी रक्षा करूंगा। तो क्या नहीं है हमारे पास? भक्ति नहीं है तो भक्ति पूरी करूंगा, रुचि भगवान में रुचि नहीं है वो दूंगा मैं, और जो है उसकी रक्षा करूंगा, क्या है जो मैंने रुचि दी है उसकी रक्षा भी करूंगा, क्योंकि देह तो दी, अगर रक्षा नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगी। तो कृष्णा कह रहे हो क्षेमा वहां में हम, इस तरह से वहामी, वहामी मतलब पालन करता हूं, इस तरह मैं अपने भक्तों का पालन करता हूं, उनके आत्मा में रुचि डालकर अपने लिए, और फिर उसकी रक्षा करता हूं कि माया से खराब ना हो जाए, वो खत्म ना हो जाए, और जब रुचि आ जाती है भक्तों में तो भक्ति बहुत आसानी से हो जाती है, आराम से भक्तों का पालन रुचि से ही होता है, वो आराम से भक्ति कर सकते हैं, आराम से भक्तों में रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, तो पालन तो होता रहेगा, आप चलते रहेंगे अपना, ठीक है, वो है योगक्षेम भाम्यम। सो कृष्णा कह रहे हैं सत्वम विशुद्धम क्षेमाया, ये वही वर्ड है क्षेमाया, मैं पूरा करता हूं। अगर हम सतोगुण में रहकर भक्ति करेंगे तो विशुद्ध सत्व में पहुंच जाएंगे, विशुद्ध सत्व में आ जाएंगे तो भगवान की कृपा आएगी, भगवान की कृपा से भगवान हमें क्या देंगे? रुचि दे देंगे, इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट आने लगेगा भगवान में, भगवान के नाम में, उनके गुणों में, उनके रूप में, मतलब वैसे बताऊं भक्त ना बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं, आप सोच भी नहीं पाओगे कैसे सोचते हैं। जो डिवोटीज होते हैं जिनको रुचि होती है वो अलग ही तरीके से उनका माइंड चल रहा होता है, जिनको रुचि नहीं होती उनका अलग तरीके से चल रहा होता है। विष्णु ठाकुर भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो आपको भी अनुभव होने लगेगा भक्ति में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा था, फॉर एग्जाम्पल जिसको रुचि है वो कैसे सोचता है, जिसको रुचि नहीं है वो कैसे सोचता है, जिसको रुचि नहीं है वो कैसे सोचेगा, जिसको रुचि नहीं है वो सोचेगा यस, मतलब रुचि नहीं है मगर भक्त अच्छा है, ये मान लो सिंसियर है, ठीक है, समझ गए? जैसे आप लोगों, तो आप लोग ऐसे सोचोगे, अभी आप लोग सोचोगे यस मुझे भक्ति करनी है, नहीं यही सोचते हो ना, यही है ना, मुझे अपने आप को शुद्ध करना है, हाँ मुझे नाम लेना है, हाँ मुझे अच्छे गुण लाने, यही सोचते हो ना, क्लियर है? नहीं क्लियर है? या कभी कभी सोचते हो ठीक है मैं आज से कम खाऊंगा कि इससे ज्यादा नहीं खाऊंगा, किसे ज्यादा नींद ना है, और मैं भगवान के
की भक्ति कर सकूंगा, फिर मैं रोज कृष्णा बुक पढ़ूंगा या भागवत पढ़ूंगा फॉर एग्जाम्पल, सेवा करूंगा कि दीन दीन रहूंगा, यही सोचते हैं ना, यही सोचते रहते हैं, है नहीं? बहुत अच्छा है, मगर जिसको रुचि है वो क्या सोचता है, वो इससे आगे चला गया। वो जिसको रुचि है वो क्या सोचेगा, उसका माइंड अलग ही लेवल पे चल रहा है। वो जब प्रसाद ले रहा होगा तो उसके माइंड में आएगा भगवान, उसके माइंड में अचानक से आ जाएगा भगवान के लिप्स इतने सुंदर है। ये वो जब छत पे खड़ा होगा उसके माइंड में अचानक से आ जाएगा कि भगवान जब द्वारका में छत पे खड़े थे तो कितने स्मार्ट लग रहे थे। नाउ व्हाट यू से अबाउट दैट, उसका माइंड अलग लेवल पे चल रहा है। या जब वो चल रहा होगा, जब वो गेट से अंदर आ रहा होगा, उसके माइंड में आ जाएगा जब भगवान द्वारका में गेट से अंदर आए थे तो कितनी ज्यादा उनकी उनकी प्रशंसा हुई थी। भागवतम में है, भगवान जब आए थे गेट जब द्वारका में तो बहुत प्रशंसा हुई थी उनकी। या जब वो गाय को देखेगा, गाय की आंखें, तो उसको भगवान तो राधा रानी की आंखें स्मरण आएगी, क्योंकि राधा रानी की आंखें बिल्कुल हिरण की आंखों की तरह हैं और इनकी आंखें हिरण की तरह ही हैं, एग्जैक्ट वैसे ही है। तो बिल्कुल अलग माइंड चल रहा है उसका। उसका माइंड, एडवांस डिवोटी का माइंड जो है, अब आप कहो भी वो जो डिवोटी जिसको रुचि आ गई, क्या वो ऐसा नहीं सोचता कि मुझे मुझे भक्ति करनी है, मुझे दीन रहना है? नहीं, जो सोच रहे हम मुझे शुद्ध होना है, वो ये नहीं सोचता, क्योंकि ये तो चलो उसने पार ही कर लिया, ये पार कर चुका है वो तो अभी। आप मान लीजिए सब, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने अभी पिछले साल या उसके दो साल में या चार साल में चलो आपने तो आपने कभी वो याद करने की कोशिश की है पहाड़ा दो का, कभी ट्राई किया है? नहीं, दो 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 क्या कहते हैं, कैसे दो गुना एक दो दो दोनी चार दो दिया, कभी किया है? कब क्यों नहीं किया? इंपॉर्टेंट है या नहीं? इंपॉर्टेंट है, मगर क्यों नहीं किया फिर? क्यों नहीं रिवाइज किया बताना, ये वो तो आपको आ गया ना, वो कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते आप उसमें, इसलिए नहीं किया, अब तो आपको आ गया। तो इसलिए जब जो जिसको रुचि आ जाती है वो पार कर चुका है, उसको जरूरत नहीं है फिर सोचने की मुझे शोध होने की, उसको पता है शोध होना ही है भाई, और तो कुछ करना ही क्या है, याद क्या दिलाने की जरूरत है, होना ही है, वो तो करना ही है, रूल्स फॉलो करना ही है, मंगल आरती में उठना ही है भाई, क्वेश्चन ही नहीं उठना, मतलब मैं याद क्यों दिलाऊं अपने आप को, क्वेश्चन ही नहीं है। जैसे उठते ही ब्रश करना होता है, नहीं होता है? या उठते याद दिलाते हो आज ब्रश करना है भाई, ध्यान रखना, दिलाते हो? नहीं, नेचुरल हो गया ना, स्वाभाविक। तो ये चीजें जब स्वाभाविक हो जाती हैं तो फिर रुचि के प्लेटफॉर्म पे तो फिर डिवोटी अलग तरीके से सोचता है, उसको कहते हैं सतोगुण विशुद्ध सत, समझे? विशुद्ध सत में रुचि आ जाती है, और रुचि में फिर भगवान के रूप गुण और लीलाओं में माइंड अपने आप चलता है, वो अपने आप चलता है, वो फिर आप जानबूझ के नहीं लगा रहे होते आप, वो अपने आप ही चल रहा होता है। जैसे भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर एक बार जगन्नाथपुरी से जा रहे थे, तो जाते जाते अचानक से उनके माइंड में अपने आप ही श्रीमती राधा रानी के पैर में जो सिंदूर है उसका स्मरण आ गया, मतलब उन्होंने कोई लाल रंग देखा, उनके माइंड में स्मरण आ गया, उन्होंने डिवोटी से कहा कि राधा के गुण गाओ, गा रहे अब क्या करोगे इसको। So, सारी प्रकृति जो है वो भक्त को भगवान का स्मरण कराना शुरू हो जाती है, जिसको रुचि आ जाती है अपने आप ही हेल्प करने लगती है। अब ये चीज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, है नहीं? ये चीज कल्पना नहीं कर पाओगे आप इसकी, करोगे भी कल्पना कोशिश करोगे दो मिनट होगा खत्म हो जाएगा, है नहीं? ये आप नहीं कर सकते, कर लोगे? ये कल्पना से नहीं होता, ये तो फिर हाँ वो हम ट्राई करते हैं, मतलब हमें ट्राई करते हैं, भगवान की शक्तियां हैं, इतना ट्राई करते हैं, आप ऐसे ट्राई नहीं कर सकते कि वो होगा नहीं, वो तो नेचुरली आएगा वो फिर। तो अब ये सत्वगुण और विशुद्ध सत्व में फर्क है, दैट्स अ होल डिफरेंस देयर। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि मेरे भक्त जैसा सोचते हैं वो
कभी नहीं सोच सकता कोई। वैष्णव वेरा क्रिया मुद्रा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है उसके माइंड में, कभी नहीं कोई कोई बता सकता। और ये फर्क होता है एडवांस्ड डिवोटी और नेवोटी में, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ही ये नुतानिह, और ये सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते रहो आप इसी स्थिति में पहुंच जाओगे अपने आप। प्रैक्टिस करते 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 सिंसियर होते होते यहां तक पहुंच जाओगे। फिर एवं प्रसन्न मनस, माइंड खुश हो जाए, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जा रहा है ना मन, तो अब बस खुश हो जाएगा। उससे पहले भी खुश होगा, शांत होगा, बट इतना खुश नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा लड़ना झगड़ना पड़ रहा है, नहीं लगाना है, ये करना है, वो करना है, इट्स नॉट दैट इंटरेस्टिंग, ये तो अपने आप ही लगता रहेगा। ओके, सो मुमुक्षवो घोर, अब अगले श्लोक में कह रहे हैं कि वेल मतलब हम तो मतलब समझ गए ना, तो हमें किसमें इंटरेस्ट है, सतोगुण में इंटरेस्ट है ना, रजोगुण तमोगुण में तो है ही नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई रजोगुण सारे तो कई लोग संसार में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं हमें उसमें। मुमुक्षव घोर रूपान, जो व्यक्ति संसार में मोक्ष चाहता है, मुमुक्षव मतलब, मुमुक्षव का मतलब क्या है, जो मुक्ति चाहता है, नहीं मुमुक्षो रिपीट हो रहा है, मामा रिपीट हो रहा है, जो मोक्ष चाहता है घोर रूपान, वो घोर देवी देवताओं के घोर रूप की पूजा करना छोड़ दे, जैसे काली है, चंडी है, घोर रूप है, नहीं करता। हितवा भूतपति न था, छोड़ दे भूतों की, भूतपति, भूतपति कौन है, शिव जी की, वो छोड़ देगा। नारायण कला शांत, नारायण और नारायण के ही अवतारों की पूजा करेगा जो शांत है। भजंती ही अनुसूयवे, भजन करेगा कैसे, अनुसूयवे, अनुसूयवे कहां आ रहा है शब्द, अनुसूय कहां है, हाँ कौन सा श्लोक है, पहला कौन सा है, नौवे अध्याय का, इदम तूते गुहतमम प्रवक्ष्यामी अनुसूय वे। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि तुम अनुसूय, अनुसूय मतलब द्वेष नहीं है, तो अनुसूय तो नाम भी था ना ऋषि को, तो कौन सी ऋषि की पत्नी का नाम है, अत्री, अत्री ऋषि की पत्नी का नाम है अनुसूय, जिनके आश्रम में राम और सीता गए थे, अनुसूया, तो अनुसूया ने सीता देवी को गिफ्ट भी की थी एक साड़ी, जो जो देवी देवताओं ने दी थी, और वो साड़ी पे धूल नहीं जमती थी, वो सिल्की होगी शायद, सिल्की, हाँ वो सिल्की बनी होगी शायद, धूप नहीं, धूल नहीं जमती ना उस पर, अपने हट जाती है। सो भजंती अनुसूया वे, सो बिना किसी द्वेष के भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हम शिव जी की नहीं करते, हम ब्रह्मा जी की, काली चंडी हम नहीं करते, हमें द्वेष भी नहीं है उनसे, ठीक है, क्योंकि वो तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो तो भगवान के शक्तिशाली सेवक हैं, मगर हमें इंटरेस्ट भी नहीं है, दोनों चीजें हैं, हमें द्वेष भी नहीं है मगर इंटरेस्ट भी नहीं है, है नहीं, ये तो हो सकता है, ये तो ही सकता है, आपको इससे द्वेष है, इंटरेस्ट है, ऐसे ही है। तो आपको अभी तुम पूजा नहीं करते देवी देवताओं के, हाँ भाई हम नहीं करते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमें इंटरेस्ट भी नहीं है, हमें तो इंटरेस्ट भगवान में, विष्णु में, कृष्णा में, दैट्स ऑल। सो सुखदेव को, सुता को स्वामी कह रहे हैं वेल छोड़ देते हैं, रजस्तमा प्रकृतया समशीला भजंती भाई। सो जो रजो मगर जो रजो और तमोगुण की प्रकृति वाले हैं वो क्या करते हैं, पितृ भूत प्रजेश आदिन, पितृ और भूतों की पूजा करते रहते हैं, क्यों, अपने इच्छाओं की वजह से। श्री ऐश्वर्य प्रजेप सभा, क्यों करते हैं, श्री के लिए, श्री मतलब धन के लिए, ऐश्वर्य के, नेम फेम के लिए, प्रजेप सभा, प्रजेप सभा मतलब बच्चों के लिए, यही करते हैं ना लोग, बच्चे हो जाएं, बच्चे नहीं हो रहे, पैसे नहीं मिल रहे, वह इसी में पड़े रहते हैं और चलते रहते हैं। जिनमें इच्छाएं नहीं होती वो किसकी पूजा करते हैं, विष्णु की, जिनमें इच्छाएं होती हैं वो फिर देवी देवताओं की पूजा करते हैं, दैट्स ऑल।
सो कंक्लूजन दे रहे हैं आप 28-29 वेरी फेमस वेरी नाइस वर्स. ये दोनों श्लोक याद कर लेना, बहुत अच्छे श्लोक हैं. वासुदेवे परा वेदा, वासुदेवे परा मखा, वासुदेवे परा योगा, वासुदेवे परा क्रिया. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मैं बताता हूं क्या. तो वो यहां पे कह रहे हैं कि देखो सारी चीजों का लक्ष्य कौन है, वासुदेव, मगर कैसे हैं, दैट्स द होल आइडिया. तो वासुदेव परा वेदा, शुरुआत कहां से होती है, वेद से, है नी, हर चीज वेद से. वेद को हटा दोगे तो इंसान नास्तिक बन जाएगा. नास्तिक आस्तिक में फर्क यही है, आस्तिक वो है जिसको वेद पे विश्वास है. भगवान पे विश्वास है जरूरी नहीं है वो आस्तिक हो, क्योंकि भगवान पे तो कई लोगों को विश्वास है नी, सो कॉल्ड विश्वास. मगर शास्त्रों में विश्वास को ही विश्वास बोला जाता है. सो वेद से गाड़ी शुरू होती है सब. तो वासुदेवे परा वेदा, वेदों का निष्कर्ष क्या है, वासुदेव. ओके गुड. मगर कोई क्वेश्चन उठाएगा भी, मगर वेदों में तो यज्ञ दिए, 75% वेद यज्ञों के बारे में, 25% वेद बस मोक्ष के बारे में. तो आप कहोगे वेदों में तो मेन तो यज्ञ दिए, और यज्ञ को क्या बोलते हैं संस्कृत में, मखा. मखा जो शब्द आ रहा है वो यज्ञ होता है, मखा. यज्ञ का दूसरा पर्यायवाची शब्द है मखा. कहीं वो इससे तो नहीं आ रहा, मक्का से, मक्का इससे तो नहीं आ रहा, मक्का मदीना मक्का से हो सकता है, पता नहीं. तो मखा तो यज्ञ है. तो यज्ञों का लक्ष्य क्या है, अब कर्म कांड ही कहेंगे यज्ञों का लक्ष्य क्या है, स्वर्ग है नी, कर्म कांड में सुखदेव गोस्वामी काट रहे हैं, वासुदेव परा मखा. नेक्स्ट लाइन, यज्ञ का भी लक्ष्य भगवान विष्णु है. आप देख रहे हो यहां पे आर्ग्यूमेंट चल रही है और वो आंसर करते जा रहे हैं. फिर आप कहोगे भाई ठीक है, यज्ञ का लक्ष्य भगवान विष्णु है, ओके, मगर वेदों में हाँ ठीक है, तो वेदों में 75% यज्ञ है, 25% उपनिषद और योग है. उपनिषद है ना, उपनिषद में योग मेंशनड है. ठीक है, यज्ञों का लक्ष्य तो वासुदेव है, मगर उपनिषदों का नहीं है वासुदेव. उपनिषद मतलब योग, योग का लक्ष्य वासुदेव नहीं है, योग का लक्ष्य तो है मोक्ष, सिद्धियां, है नी, यही है ना. सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी काट रहे हैं, वासुदेव परा योगा, योग का भी लक्ष्य क्या है, वासुदेव. वेदों का लक्ष्य वासुदेव है, वेदों में जो 75% यज्ञ है उनका लक्ष्य वासुदेव है, वेदों में जो योग है उसका लक्ष्य वासुदेव. क्लियर हो गया. मगर अब वो क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, मगर ठीक है, वेदों में 75% यज्ञ है, 25% योग है, उसके बाद पुराण भी आते हैं, पुराण आते हैं नहीं, पुराणों का लक्ष्य, पुराणों में क्या है, पुराणों में है पूजा. पूजा बताइए, पंचरात्र पूजा बताइए, देवी देवताओं की पूजा, इसकी पूजा, उसकी पूजा, हजार पूजा है, उपासना कांड, समझ गए. तो कह रहे हैं मगर भैया पुराणों का लक्ष्य नहीं है, पूजा का लक्ष्य भगवान वासुदेव नहीं है. कह रहे नहीं, वासुदेव परा क्रिया, क्रिया, क्रिया जब भी शब्द आता है यहां पे, क्रिया का मतलब क्रिया योग, क्रिया, क्रिया शब्द पंचरात्र टेक्स्ट में आता है, जो पूजा करने की सिस्टम है ना उसमें ये शब्द आता है क्रिया. क्रिया मतलब जब भी शब्द आएगा यहां पे, यहां पे टेक्निकल वर्ड है, क्रिया मतलब पूजा करना, यहां पर मतलब ये. तो तीनों चीजों का लक्ष्य भगवान वासुदेव है. अब आप देख रहे हो वासुदेव, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, वेद का लक्ष्य क्या है, क्या हो गया, वासुदेव. मगर वेद में तीन कांड आते हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड. तो कोई कहेगा ठीक है वेद का लक्ष्य भगवान है, मगर कर्म कांड का लक्ष्य स्वर्ग है, नहीं, वासुदेव परा मखा. कर्म कांड मतलब यज्ञ नहीं, वासुदेव है, ठीक है वो तो चलो सही, कर्म कांड. ज्ञान कांड मतलब योग, उसका लक्ष्य मोक्ष है, सिद्धियां, नहीं, वासुदेव परा योगा. उपासना कांड, उपासना करने का लक्ष्य विष्णु नहीं है, वो तो सबकी उपासना होनी चाहिए, शिव ब्रह्मा विष्णु सबका मिलाकर,
नहीं, वासुदेवा परा क्रिया, तीनों काट दिए, देखो समझ, तीनों काट दिए। अल्टीमेट लक्ष्य कृष्ण है। ओके, अब उसके बाद, उसके बाद वहां पे कह रहे हैं ठीक है चलो दैट्स गुड वेरी नाइस, ये तो समझ आ गया। मगर मगर इतना सारा ज्ञान है संसार में, हर ज्ञान का लक्ष्य कोई वासुदेव थोड़े ना है। ठीक है वेदों के ज्ञान का लक्ष्य वासुदेव है, और भी तो ज्ञान है इतने सारे, उसका लक्ष्य वासुदेव नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं वासुदेव परम ज्ञानम, सारे ज्ञान का अंत वासुदेव ही है। कहने का मतलब है जो भी हम संसार में ज्ञान ले रहे हैं वो इस्तेमाल होना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, सही है। चाहे आप चाहे भौतिक ज्ञान ही क्यों ना ले रहे हो, वैदिक ज्ञान तो हो गया, भौतिक ज्ञान का लक्ष्य भी वासुदेव है, वो तो छोड़ दो वैदिक ज्ञान, ये सब भगवान की सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए। कोई भी नॉलेज ले, अदरवाइज वेस्ट है, सब वेस्ट है, यूजलेस है। ओके, ये तो ज्ञान हो गया नहीं, और फिर उसके बाद कह रहे हैं ठीक है ज्ञान हो गया दैट्स ओके दैट्स ओके, मगर तपस्या का लक्ष्य क्या है? तपस्या का लक्ष्य तो शक्तियां हैं। अरे नहीं, वासुदेवा परम तपा, यहां पे तपस्या का मतलब होता है वैसे तब भी ले लो, यहां पे तपस्या का मतलब भी आपने ज्ञान लिया बहुत सारा, भौतिक ज्ञान लिया, आध्यात्मिक ज्ञान लिया, जो भी लिया, फिर उसको आपने अप्लाई किया, तपस्या की ना आपने उसको अनुभव करने के लिए, तो कह रहे हैं तो फिर तपस्या का लक्ष्य क्या है? जनरली तपस्या का लक्ष्य माना जाता है तो पतंजलि में जो तपस्या बोली गई है, जनरली जो योगी ज्ञानी तपस्या करते हैं उसका लक्ष्य माना जाता है या तो मोक्ष या सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां। कह रहे नहीं, तपस्या का भी लक्ष्य क्या है? वासुदेव, या यूं कह लो तपस्या का मतलब यहां पे सैक्रिफाइस, तप को त्याग रहे हो ना, तपस्या भगवान ने गीता में तपस्या को त्याग से जोड़ा है, उसका भी लक्ष्य भगवान वासुदेव है। हाँ, यज्ञ मतलब ही त्याग है। यहां पे तपस्या का मतलब है, तपस्या मतलब होता है उस त्याग के अंदर कुछ मुश्किलें सहना, तपस्या मतलब हो गया यज्ञ दान तप कर्म। तो आप संसार में इतने सारे लोग मुश्किलें सहते नहीं सहते, कुछ सीखते हैं पहले, अगर आप ऐसे सोए कुछ सीख लिया, कुछ नॉलेज ले ली, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, फिर मुश्किलें सहता है पैसे कमाने के लिए। भैया अगर मुश्किलें सहने का भी शौक है तो भगवान वासुदेव को खुश करो उससे। वासुदेवा परम तप, वासुदेवा परो धर्मो, कोई भी धर्म पालन कर रहे हो, आपको अच्छे बनने का शौक भी है, तो उसका लक्ष्य क्या है? भगवान वासुदेव की संतुष्टि, अदरवाइज बेकार है, अदरवाइज बेकार है। आप ये सुनते रहो, फिर मैं इसको उल्टा भी करूंगा, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। और अल्टीमेटली सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वासुदेव परागति, अल्टीमेटली सबकी गति कहां है? वासुदेव में। आप कुछ भी कह रहे हो, कोई भी लक्ष्य, सब वासुदेव ही है। तो मुझे बताओ, अब इसको उल्टा करते हैं, अब मुझे आंसर बताना, जिस वेद का लक्ष्य वासुदेव नहीं है, जिस वेद के ज्ञान का लक्ष्य वासुदेव नहीं है, वो वेद का ज्ञान क्या है? वो वैदिक ज्ञान क्या है? जिस वैदिक ज्ञान का लक्ष्य वासुदेव नहीं है उसको क्या बोलते हैं? जूस ज्ञान, ठीक है, मतलब ठीक है, आप लोग सही कह रहे हो, मतलब तो पॉइंट इज उसका रिजल्ट क्या है? जिस वैदिक ज्ञान का वासुदेव नहीं, उसका रिजल्ट क्या है? जिस वैदिक ज्ञान का लक्ष्य वासुदेव नहीं है, ठीक है, उससे आप या तो स्वर्ग पहुंचो, उससे आप असुर बन जाओगे। देखना, है वैदिक ज्ञान मगर क्या बनोगे? असुर बन जाओगे। हैं? असुर बन जाओगे आप। रावण वैदिक पंडित था, असुर था, क्योंकि क्योंकि वेदों में सारा ज्ञान है, आप वो सही सीख जाओगे। भगवान लक्ष्य नहीं है तो क्या करोगे? सबसे पहले भगवान को मारूंगा, यही आएगा। आप पावरफुल बन गए ना, तभी तो हिरण्यकशिपु को कॉन्फिडेंस आ गया, मैं विष्णु को मारूंगा।
तभी तो कॉन्फिडेंस आया, तपस्या की, नॉलेज ली, तभी तो कॉन्फिडेंस आया मैं मार दूंगा। तभी तो रावण कह रहा था मैं देख लूंगा मैं सबको, नॉलेज है ना, कुछ भी कर सकता है वो। तो इसलिए जिस वैदिक ज्ञान का लक्ष्य वासुदेव नहीं है, फिर अल्टीमेटली उसका एंड असुरी होता है, आसुरी बन जाओगे आप, समझ गए। जिस 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 यज्ञ का लक्ष्य वासुदेव नहीं है, उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट क्या है? मैक्सिमम कहां तक पहुंच जाओगे? है नहीं, गलत। जिस यज्ञ का लक्ष्य वासुदेव नहीं है, उसका रिजल्ट क्या है? उससे कहां पहुंचोगे? उससे मैक्सिमम आप पृथ्वी लोक पे जन्म ले सकते हो, स्वर्ग नहीं जा सकते आप। स्वर्ग जाने के लिए भी आपको भगवान विष्णु को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, भगवान विष्णु सतोगुण में है, और जो ऊर्ध्व सतोगुण में से ही ऊर्ध्व गति होती है। भगवान विष्णु के बिना आप ऊपर जा ही नहीं सकते, या तो वहीं रहोगे या नीचे जाओगे। जिस यज्ञ का लक्ष्य वासुदेव नहीं है, आप ऊपर नहीं जा सकते, इम्पॉसिबल है, आप धरती पे पैदा हो जाओगे दोबारा, समझ गए। इसलिए जो कर्मकांडी जो है ना, जो 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 यज्ञ करते हैं स्वर्ग के लिए, वो भी एंड में किसको आहुति डालते हैं? विष्णु समर्पण। अभी आप देख लेना, सारे पंडित एंड में यही कहेंगे, आप जो यज्ञ करने नहीं आते, सारे पंडित कृष्ण समर्पण आमी विष्णु, एंड में यही करते हैं वो लोग। आप देख लेना, चाहे गणेश का यज्ञ चल रहा है, चाहे शिव जी का, वो एंड में यही होता है। मैंने तो कितने यज्ञ अटेंड कर लिए, तो मैंने पंडित से पूछा था वहां, यार अब एंड में ये बोल रहे हो, तो कह रहे हैं वो तो चलो वो तो प्रोसीजर है। मैंने कहा शिव जी का यज्ञ कर रहे हो आप, एंड में क्या बोल रहे हो कृष्ण समर्पण विष्णु समर्पण? कहते हैं ये बोलना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है, आपके नेपाल में तो पंडित लोग बहुत हैं, एंड में ही करते हैं। अब श्राद्ध में देखो सब एंड में ये, एंड में भी केशव समर्पित विष्णु गोविंद यही चलेगा हमेशा, वो चाहे उसको पता नहीं है मगर प्रोसीजर यही होता है। सो अदरवाइज आप ऊपर जा ही नहीं सकते, समझ गए। जिस योग का लक्ष्य वासुदेव नहीं है, उसका रिजल्ट क्या है? मोक्ष तो मिल ही नहीं सकता, मोक्ष और कुछ नहीं। जिस योग का लक्ष्य वासुदेव नहीं है, पहली बात तो है कि उसको असली सिद्धियां नहीं मिलेंगी। कुछ सिद्धि मिलेगी तो सिद्धियों की कुछ छाया मिल जाएगी, सिद्धियां मिल जाती हैं योग योग करके, बट ये क्या होता है, मगर उसको असली सिद्धियां नहीं मिलेंगी। सिद्धियों का थोड़ा क्या कहते हैं, सैंपल मिल जाएगा बस, और कुछ नहीं। मतलब वो भाई तो कितनी सिद्धियां होती हैं? आठ होती है ना, तो क्या कहते हैं, अष्ट सिद्धि कहते हैं ना। तो कौन कौन सी होती हैं? अनिमा, लगिमा, महिमा, कामा वायसिता, वशिता, है नी। तो एक सिद्धि होती है कि आप कहीं से कुछ भी ला सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। तो अगर आप भगवान विष्णु, अगर आप योग कर रहे हो, भगवान विष्णु के भक्त नहीं हो, या भगवान विष्णु पे ध्यान नहीं लगा रहे हृदय पे, आप ऐसे आप लाइट पे कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ऐसे योगी हो आप, तो क्या होगा, तो आपको सिद्धि तो मिल जाएगी, मगर आप केवल एक सेव ही ला पाओगे। ये सिद्धि तो मिल गई लाने की, मगर मैक्सिमम एक सेव ला पाओगे, मैक्सिमम विभूति ला पाओगे ला रहा था। मगर अगर असली सिद्धि मिलेगी तो पूरा का पूरा प्लैनेट ही लिया होगे आप, उठा के स्वर्ग से पारिजात उठा के लिया होगे, किसी देवी देवता को बांध बूंद के लिया होगे, कुछ भी कर सकते हो आप, वो असली सिद्धि है। इन लोगों को छोटी मोटी ऐसी कुछ छाया मिल जाती है, वो उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, समझ गए। जिस जिस योग का लक्ष्य वासुदेव नहीं है, उनको छोटी मोटी सिद्धि मिल जाती है, असली सिद्धि भी नहीं मिलती। जिस पूजा का लक्ष्य वासुदेव नहीं है, तो उसको क्या रिजल्ट है? उनका क्या रिजल्ट है जिस पूजा का लक्ष्य वासुदेव नहीं है? कभी इसकी पूजा कर रहे हो, कभी उसकी, कभी सभी ही पूजा कर रहे हैं, ठीक है। उसका रिजल्ट है, उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट है आप रजो तिष्ठन्ति मध्यस्थ,
आप फिर संसार में पैदा होगे, इधर उधर पूजा करते रहोगे, इच्छाएं बढ़ जाएंगी, इच्छाओं के लिए कर रहे हो ना, तो संसार पृथ्वी में पैदा हो जाओगे इच्छाएं पूरी करने के लिए। जिस ज्ञान का लक्ष्य वासुदेव नहीं है, यहां पे भौतिक ज्ञान का लक्ष्य वासुदेव नहीं है, वो क्या करता है, अहंकार, अहंकारी बन जाओगे, मुझे, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बस वो दिमाग आउट हो जाए, अहंकारी बन जाओगे। नहीं, जिस तपस्या का लक्ष्य वासुदेव नहीं है, उसका क्या रिजल्ट है, तपस्या करते आ रहे हो, करते आ रहे हो, करते आ रहे हो, सबसे पहला रिजल्ट है एसिडिटी होगी। देख लेना। दूसरा होगा कॉन्स्टिपेशन। यही होगा, तो पहले तो करने बैठ गए। इसका मतलब वो बाहर वार से असली में नहीं है, अगर लक्ष्य वासुदेव है तो मन संतुष्ट रहेगा, फिर एसिडिटी नहीं होगी। सो जिस तपस्या का लक्ष्य वासुदेव नहीं है, इट्स प्रॉब्लम, राक्षस बन जाओगे। That's the whole point. शरीर ही खराब हो जाएगा आपका, शरीर खराब होगा आपका और कुछ नहीं होगा। कलयुग के शरीर वैसे तपस्या करने लायक नहीं है, भगवान के लिए कर भी नहीं रहे, भगवान की डायरेक्शन में भी नहीं कर रहे। अगर तपस्या का लक्ष्य वासुदेव होगा तो भगवान के बतावे तरीके से तपस्या करोगे ना। भगवान कह रहे हैं भाई इधर उधर कम बम खाने की जरूरत नहीं है, एक आची पे बस व्रत कर लो, सुबह जल्दी उठो। भगवान के अनुसार तपस्या का खाना वाना है ही नहीं कम ज्यादा। अल्टीमेटली भगवान के हिसाब से तपस्या क्या है, गीता में क्या बोल रहे हैं, शरीर की, वाणी की और मन, तो वे क्या बोला भगवान ने, शरीर शरीर की तपस्या है रिस्पेक्ट देना, यही है ना अल्टीमेटली, तो आदर देना यही है ब्राह्मणों को, गुरुओं को, बड़ों को। और वाणी की तपस्या क्या है, सत्य और प्रिय बोलना, हर कंड ये तपस्या है सत्य और प्रिय बोलना, क्योंकि आप हमेशा बोल नहीं पाओगे, हमेशा उत्तेजित हो जाओगे, क्रोध कर दोगे, गाली गलौज कर दोगे, और आपसे पूछेंगे आप क्यों गाली कर रहे हो, काम नहीं होता मेरा, काम कराने के लिए कराया जा रहा है, वो तपस्या है। अब बिना बोले काम कराओ ना, मगर होगा नहीं, होगा ही नहीं संसार में काम, आप कहोगे नहीं करना पड़ेगा, तभी तो तपस्या है भाई, तभी तपस्या, आपका माइंड उत्तेजित होगा ना, तो वो तपस्या आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, और फिर आपको इंटेलिजेंस लगा के काम करना पड़ेगा, बुद्धि से नहीं, ये ठीक, भगवान कह रहे हैं तपस्या मैं करूंगा, ये तपस्या, ये चीज पे ध्यान रखो, और मैं सत्य प्रिय वाणी बोल के ही काम कराऊंगा, या दूसरों डिवोटी से मैं ऐसे बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा ऐसे। अब कैसे होगा, उसके लिए फिर बुद्धि लगानी पड़ेगी, भगवान की बात भी ना कटे, काम भी हो जाए, नहीं भगवान की बात क्यों कटे, है नहीं, ऑफकोर्स कभी 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 बोलना पड़ता है, मगर फिर भी मैक्सिमम हो वो तपस्या, इस तभी वो तपस्या, क्योंकि संसार में आप कर नहीं पाओगे, तपस्या वो है जो मुश्किल होता है करना, है नहीं, तो सबसे भगवान कह रहे हैं सबसे मुश्किल काम है सत्य और प्रिय बोलना, सबसे मुश्किल काम है आदर देना हर स्थिति में, और तीसरी क्या है, मन की तपस्या क्या है, संतुष्टि, सबसे मुश्किल काम है संतुष्ट रहना, तपस्या करनी तो ये करो ना, तभी कह रहे हैं वासुदेवा परम तपः, तपस्या करनी है तो वासुदेव के अकॉर्डिंग करो, अपने मन गणन तपस्या मत करते रहो, कम खाना है, ये खाना है, वो खाना है, भाई क्यों कर रहे हो। हाँ वो बात है, कम इसलिए हम खाते हैं कि इसे सोते ना रहे, वो बात अलग है, वो एक एडजस्टमेंट है, मगर भगवान के आपसे अल्टीमेटली वो नहीं है तपस्या, जो करनी है वो तो करते नहीं, जो नहीं करनी वो करते रहते, सो कोई फायदा नहीं है, व्हाट्स द पॉइंट। इसलिए आप श्री संप्रदाय में जाओगे ना, वैसे तो चलो मुझे नहीं अच्छा लगता, मगर श्री संप्रदाय में जितने भी भक्त होते हैं बड़े मोटे मोटे होते हैं, देखा है आपने, ऐसा होता है यार ये मोटे मोटे लोग हैं, मगर भक्ति संदर सोच ठाकुर को मोटे ब्रह्मचारी अच्छे नहीं लगते थे, वो उनकी अपनी वो है, मुझे भी अच्छे लगते हैं, बट एट द सेम टाइम हेल्दी तो होना ही चाहिए। तो अल्टीमेटली आप कम खा सकते हो, ज्यादा खा सकते हो, तो चलो सही है, वो आपकी व्यक्तिगत चीज है, मगर उसमें मेन तपस्या करना मत भूल जाना, जो भगवान चाहते हैं वो नहीं भूलनी चाहिए। सो तपस्या, इसलिए कह रहे हैं वासुदेवा परम तप, वासुदेव के अकॉर्डिंग तपस्या करो, वासुदेवा परो धर्मो,
जो धर्म जिसका लक्ष्य वासुदेव नहीं है उसको क्या होगा? हाँ, स्वार्थी बन जाएगा। जो धर्म जिसका लक्ष्य वासुदेव नहीं है वो स्वार्थी बन जाता है, क्योंकि धार्मिक जब धर्म पालन करते रहोगे भगवान की पिक्चर में स्वार्थी बन जाओगे। ऐसे ब्राह्मण लोग स्वार्थी बन गए ना, फिर शूद्रों को एक्सप्लॉइट करने लगे ना, शोषण करने नहीं लगे, वही हो गया, क्योंकि भगवान ही पिक्चर में, दैवी वर्णाश्रम है ही नहीं। सो वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा परा गति। गति क्या है, एंड क्या है, सभी चीज का लक्ष्य क्या है, चाहे वो वेद हो या योग क्रिया ज्ञान तप धर्म, सबका लक्ष्य वासुदेव है। सुदेव गोस्वामी कह रहे हैं, मैं और क्या डिटेल से बताऊं, सबका ही लक्ष्य वासुदेव है। हर क्रिया हर वचन सबका लक्ष्य भगवान कृष्ण है। जिसको ये पता है उसको सब कुछ पता है, जिसको ये नहीं पता उसको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि भगवान कृष्ण की ओपिनियन है। बट दैट्स ऑल, फिनिश हो गया। भगवान को संतुष्ट करना, ये बहुत अच्छा श्लोक है, जाके पढ़ना। आप और पढ़ोगे ना, सोचोगे, और मीनिंग निकलेंगे इसमें से, देखना, और मीनिंग निकलेंगे। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो वो तीनों वो गुण से परे ही होते हैं वो लोग, बट ब्रह्मा जी और शिव जी प्रभावित हो जाते हैं कभी कभी रजोगुण तमोगुण से। विष्णु कभी भी प्रभावित नहीं हो गए सतोगुण से, वो कंट्रोल ही कर रहे होते हैं। तीनों कंट्रोलर है, मगर शिव जी ब्रह्मा जी कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं, विष्णु कभी प्रभावित नहीं होते, बस ये फर्क है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? ऐसे कभी कभी भृगु मुनि गए थे, क्रोध आ गया था, नहीं आ गया था, प्रभावित हो गए, मगर एकदम से उनको समझ आ गया, मगर विष्णु कभी भी नहीं हो सकते प्रभावित। ओके, जैसे खुश रहना एक सेवा है पिछले कल में, हाँ, और आज वर्णन आया कि स्वभाव से जो एकदम स्मरण कर पाते हैं कृष्णा, तो खुशी तो उन्हीं उसी में ही आ सकती है, उस तरह की नहीं, वो तो खुशी के लेवल है। अच्छा, और उसमें उसमें तो आदमी हवा में उड़ रहा है नहीं, और वैसे आप वैसे भी खुश रह सकते हो, थोड़ा क्यों बना के रखना है, खुश रहो, वो बस लेवल है और कुछ नहीं है, लेवल है। बहुत बड़ी सीक्रेट है खुश रहना। वो ही आदमी ब्रह्मचारी रह सकता है, जिसको सीक्रेट नहीं है वो ब्रह्मचारी रह नहीं सकता। वो आप साइन करा के लिख लो, यहां पे लगा देना। तभी प्रभा कह रहे चैंट एंड बी, एक्चुअली बहुत बड़ा सूत्र है वो, मुझे समझ नहीं आता था प्रभुपाद ने चैंट एंड बी हैप्पी बोला है, बट समझ आ रहा है एक्चुअली सूत्र है वो, चैंट एंड बी हैप्पी। सो है, चीजें तो है, सही सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं, जिसको टेक्निक नहीं आई वो फिर नहीं रह पाएगा ब्रह्मचारी, वो नहीं रह सकता, वो तो फिर शादी होगी। आपको शादी क्यों हो जाएगी, उसमें भी कौन सा हम खुश रहेंगे तो और दुखी रहेंगे। मगर पता है कभी कभी ना दो तरह की हंसी होती है, एक खुशी से होती है और एक दुख से भी हंसी आती है, नहीं पता है आपको होती है नहीं होती है? तो गृहस्थ आश्रम में तो हंसी रहे होते हैं, मगर परेशानी से दुख से हंस रहे होते हैं, दिल पे पत्थर रखे वही है। So that's the whole point, you know. और ये जो मतलब आज का जो जितना भी वर्णन था इसमें काफी गीता का स्मरण ऐसे होता है, एक तो आपने परापुरुष की बात पूछी तो ये आठवें अध्याय में पुरुष, और फिर तीसरा तीन गुणों वाली बात है जिसमें मत्ता एति, ये सातवें अध्याय में तीनों गुण, तो चाहन ते मई, तो और फिर नौवें अध्याय में आता है कि पालन कर रहे हैं भूत क्या है भूत, तो एनीवे तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि स्वभाव तक पहुंचने के लिए, जैसे कि स्वभाव तक जो है वो
कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे पॉइंट क्या है। मैं ये समझना चाह रहा था कि भी जब जब मतलब तो भी भगवान दिव्य रहते हैं कि चाहे वो गुणों का पालन कर रहे हैं। भगवान तो दिव्य ही है, चाहे गुणों का पालन कर रहे हैं भगवान को कुछ नहीं होगा भाई। भगवान तो गोपियों का नाच रहे, कुछ नहीं हो रहा, प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। भगवान कोई डींगे थोड़े ना मार रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मैं प्रभावित नहीं होता, आपको यार ऐसे डींगे मारते रहते हैं, चलो मैं करके दिखा रहा हूँ। तभी भगवान ने रासलीला की, ये दिखाने के लिए मैं प्रभावित होता ही नहीं, लो मैं करके दिखा रहा हूँ। इसलिए भगवान की लीला में भगवान प्रैक्टिकल चीजें कर रहे हैं। प्रूफ भी देती है ना, यही क्वेश्चन है क्या है आपका? मैं तो सिद्धांतिक तौर पे पहले इस चीज को सेटअप करना चाह रहा था कि भाई दिव्य वो इस तरह से रहते हैं क्योंकि सिद्धांत जो दिए हुए हैं उनको कोरिलेट करके। हाँ वो आप कर लो, वो तो कर लो, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो आप कर सकते हो। मैं समझ गया, वो आप कोरिलेट कर सकते हैं। समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ। ये दोनों है 1.2, 20 या 29 ये याद करके सुनाना कल, और फिर इस पे सोचना भी, मैं पूछूंगा भी थोड़ा सा। और फिर जैसे कहते कि हम एक दिन वो प्रश्न आया था कि कृष्ण को देख नहीं सकते, मतलब देख नहीं सकते, ऑलमोस्ट ऐसे कहा गया था ना ये प्रश्न, मतलब मैंने ये था कि जब तक देख नहीं लेंगे तब तक थोड़ा डाउट तो रहेगा ही। हाँ डाउट रहेगा, बट जैसे आचार्यों के उसके भावना को तो अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते, सब कर सकते, वो तो है। डाउट कम होते रहेंगे होते रहेंगे, मगर 0.0001% तो डाउट रहेगा ही, क्योंकि देखा नहीं ना, वो तो होगा ही होगा, वो तो देख के हटेगा चाहे कितने अनुभव कर लो। तो विश्वा ठाकुर लिख रहे हैं कि इस वो रहेगा, वो आप उसको नहीं हटा पाओगे, चाहे 0.001% हो, वो डाउट हमारे भक्ति में इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि 0.00001% है ना, इफेक्ट कुछ नहीं करेगा। अभी आपने इतनी बड़ी, आपने इतनी खीर बनाई, उसमें आपने थोड़ा इतना सा नमक डाल दिया एक ड्रम में, इफेक्ट करेगा टेस्ट को? नहीं करेगा, मगर है तो सही नमक, बस ये बात है। तो डाउट रहेगा, इफेक्ट नहीं करता वो, मगर ये बात है उसमें, इसलिए माया से केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि माया जब आती है तो उसी नमक को धीरे धीरे अंदर जाके बढ़ाने लगेगी एक पार्टिकल लेगी और धीरे धीरे बढ़ाएगी, अंदर अंदर चेन रिएक्शन, वो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होता, वो नमक बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, एक दिन पूरी खीर नमकीन हो जाएगी, वो प्रॉब्लम है। इसलिए माया जगत में इसलिए केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि वो तो वही टारगेट करेगी, और जो डाउट है वहीं पे करेगी टारगेट, फिर आप फंस जाओगे, वैसे तो इफेक्ट करेगा नहीं। इसलिए 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 ये जो क्वेश्चन है इसको हम डील नहीं करते, डील ही नहीं करते हम। है डाउट, अब आप इसको डील करने बैठ जाओ तो पागल हो गए, फिर तो गए आप काम से। अबे जब तक आगे दर्शन नहीं होंगे तब तक तो डाउट रहेगा, भगवान है भी या नहीं? ओ भाई है भी या नहीं, अब क्या करूं, पागल हो जाओगे आप। इसलिए क्वेश्चन हम डील ही नहीं करते, है मगर छोड़ दो, भक्ति करो बस, बस वो पॉइंट है। यही सुनने दिखाई नहीं दे रहा, क्या क्या समझ गया नहीं समझ गया मैं इस पे देखा था कि शक्ति शक्ति मतलब अभेद है, ये सिद्धांत को लगा के, और फिर वो तो आप लगा लो वैष्णव ऐसे तो हमें वो आप सीक्वेंस बना लो, वो तो कोई नहीं है सिद्धांत, आप वो कर सकते हो, वो तो आचार्य यही कर रहे हैं, ये श्लोक ये श्लोक ये श्लोक कनेक्ट करके बना देते, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सो क्या पूछना है, वील स्टॉप या डन? ठीक है, कल याद कर लेना दोनों श्लोक प्लीज, और फिर मैं सुनूंगा सबसे, है ना। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।